तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीति बाली और आज मैं आप लोगों के लिए फिर से लेके आ गई हूँ एक ब्यूटीफुल सा होम रेमेडी जो कि आपकी स्किन के सारे पिगमेंट को रिमूव करके आपके स्किन को ग्लोइंग सॉफ्ट स्मूथ एंड एंटी एजिंग बनाएगा। जितने भी दाग धब्बे हैं सारे रिमूव होने वाले हैं। बॉडी का टैनिंग है, हाथ पैर काले दिख रहे हैं, अंडरआर्म ब्लैक पड़ रही है, कोहनी, अक्सर हमारे गर्दन एरियाज पे ब्लैकनेस आ जाती है। तो इस एक रेमेडी की इस एक टिप से आपका जो सारा प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगा। तो ये है पपीता। तो ये मैंने काफ़ी टाइम से रख दिया था तो ये मैं खा नहीं सकती, तो इसका मैं पैक बनाऊंगी और कैसे यूज करना है फुल बॉडी पे। तो अभी मैं नहाने जा रही थी तो मैंने सोचा ये आपके साथ शेयर भी कर लूँ और फिर मैं नहाने जाऊँगी। तो इसको क्या करना है, इसके बीज निकाल देने हैं, इसको कट कर लेना है एंड मिक्सर में इसको अच्छे से पीस लेना है। आपको पता ही होगा पपाया आपके पिगमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है और एंटी एजिंग के लिए। तो आपके स्किन पे अगर दाग धब्बे हैं तो इसमें जो चीज़ें मिलाऊंगी वो काफ़ी ज़्यादा, ये तो वैसे है ही अच्छा बट इसमें जो जो चीज़ें मिलाऊंगी वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे आपके स्किन से डार्क स्पॉट्स को रिमूव करने के लिए और टैनिंग को रिमूव करने के लिए। आपका स्किन फेयर, ग्लोइंग एंड सॉफ्ट स्मूथ बनेगा। जो भी आपके स्किन पे पिंपल्स वगैरह के मार्क हैं वो भी इससे रिमूव होंगे और पिगमेंट के लिए तो ये जादुई इलाज है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो सबसे पहले मैं इसको कट कर लेती हूँ एंड मिक्सर में अच्छे से पीस लेती हूँ। तो इसमें पपीते को मैंने छोटे छोटे पार्ट्स में यहाँ पे इस तरीके से कट कर लिया है। अब इसमें हम लोग ऐड करेंगे थोड़ा सा शहद, 1 से 2 चम्मच शहद ऐड कर लेंगे। मैंने पहले ही इसमें सब कुछ ऐड कर लिया था बट वीडियो ऑन नहीं की थी इसलिए मैं दोबारा से बता रही हूँ आपको। अब इसमें ऐड करेंगे जो थर्ड चीज है वो है नमक। नमक हमारे स्किन से सारी डर्ट्स को, गंदगी को निकालता है एंड आपकी स्किन में जितने भी पिगमेंट हैं, प्रॉब्लम्स हैं उनको रिमूव करता है एंड ऑयली स्किन के लिए भी बेस्ट रहेगा एंड ड्राई स्किन के लिए भी अच्छा है। तो इसमें मैंने ऐड कर दिया थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी हल्दी। हल्दी आपकी स्किन के टैनिंग को रिमूव करता है, आपके डार्क स्पॉट्स को रिमूव करता है और आपके कलर को एक दो टोन तक फेयर करता है। तो हल्दी हमने ऐड कर ली। हल्दी, नमक, शहद, ये तीनों ऐड करनी है। पपीता को अच्छे से काट के इसमें ऐड कर लेना है। इसको मैंने मिक्सर में जिसमें हम लोग मसाला पीसते हैं उसमें सारे चीज़ों को डाल दिया है। ओके, अब इसको बंद कर लेंगे और इसको पीस लेंगे। यहाँ पे ये अच्छा सा पेस्ट बन चुका है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, वाह। अब इसको हम लोग एक कटोरी में निकालेंगे एंड नहाते टाइम इसको यूज करेंगे। फेस पे आप इसको 10 मिनट तक लगा के छोड़ दीजिएगा। पूरी बॉडी पे अप्लाई कीजिए गाइस, अगर आपको थोड़ी सी भी पिगमेंट है या फिर स्किन ब्लैक पड़ रही है तो बहुत ज़्यादा अच्छा असर दिखाता है ये। तो इसको मैं कैसे लगा रही हूँ, इस तरीके से फेस पे लगाऊंगी। आप चाहो तो मसाज भी कर सकते हो। बहुत ठंडा ठंडा फील हो रहा है और बहुत ज़्यादा स्किन के लिए अच्छा है। आपको 1 से 2 यूज में ही काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे इससे। ऐसा नहीं है कि आप इसको आईज पे नहीं लगा सकते, बस मैं वीडियो बना रही तो नहीं लगा रही हूँ। आईज पे भी आप इसको, आँखों पे भी लगा सकते हो। इसी तरीके से आप पूरे फेस पे एंड बॉडी पे अप्लाई करके 10-5 मिनट तक छोड़ दो। उसके बाद इसको मसाज करके सिर्फ नॉर्मल पानी से वॉश करना है, साबुन वगैरह या बॉडी वॉश कुछ भी नहीं लगाना है। ओके, तो इस तरीके से मैंने इसको पीस लिया, लेकिन गिरने लग गया, इतना सॉफ्ट हो गया ये। तो चलिए फिर
फिर मिलते हैं इसका 10 मिनट के बाद, जो फेस पे अच्छे से इसका रिजल्ट आ जाए उसके बाद इसको मसाज करके उतारेंगे। मैंने अच्छे से लगा लिया है, मुझे आईज के आसपास ज़्यादा प्रॉब्लम है डार्क सर्कल की, तो इससे डार्क सर्कल भी आपके ठीक होंगे। बाकी का जो बचा हुआ है वो मैं नहाते टाइम यूज़ करूँगी। मैं वीडियो में सिर्फ फेस का बता रही हूँ, आप पूरी बॉडी पे इसको अप्लाई कर सकते हो, या फिर फेस पे अप्लाई करना तो फेस पे भी अप्लाई कर सकते हो। तो फ्रेंड्स 10 मिनट हो चुके हैं एंड मैं जा रही हूँ नहाने, तो मिलते हैं नहाने के बाद कैसा रिजल्ट आता है सब कुछ शेयर करते हैं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक वॉच कीजिएगा, और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि इसी तरीके की न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हैं, जल्दी से नहा के आते हैं एंड रिजल्ट आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो ये जो ग्लो देख रहे हो बिल्कुल नेचुरल कैमरे का है, कुछ भी एडिटिंग नहीं की है मैंने, और काफ़ी अच्छा साइन लग रहा है, काफ़ी अच्छा ग्लो कर रहा है, डार्क स्पॉट्स भी काफ़ी ज़्यादा हल्के लग रहे हैं एंड एक बार में ही यूज करने से। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो वीडियो को पीछे जाके एक बार चेक कर लीजिए और ट्राई जरूर कीजिएगा, और जैसा रिजल्ट हो मुझे शेयर जरूर कीजिएगा कि कैसा रिजल्ट आया आपके चेहरे पे। और आप चाहते हो कि अपनी स्किन को काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत, हेल्दी और सॉफ्ट, स्मूथ एंड डार्क स्पॉट्स रिमूव, पिगमेंट रिमूव करना चाहते हो तो इसको हफ्ते में 3 बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए कितना अच्छा चमक रहा है फेस। तो फ्रेंड्स मैं फाइनली नहा के आ गई हूँ, फुल बॉडी पे मैंने ये अप्लाई किया था और काफ़ी अच्छा ग्लो फील हो रहा है मुझे एंड काफ़ी अच्छा फ्रेश फील हो रहा है, एंड स्किन का जो टोन है वो भी काफ़ी फेयर लग रहा है। मैं सिर्फ और सिर्फ नहा के आई हूँ एंड मैंने फेस पे कुछ भी नहीं लगाया है, सिर्फ पानी से वॉश किया है, एंड आपको भी फ़र्क दिख रहा होगा पहले का और अभी का। ये वाली पैक जो है काफ़ी अच्छा है, पपाया वैसे ही पिगमेंट को रिमूव करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है, तो आप पपाया में ये सारी चीज़ें जो मैंने मिलाई थी वो मिलाने के बाद एक जादुई मैजिकल फेस पैक हो गया। घर पे ही आप इसको बना के ट्राई कीजिए, आप वीक में इसको 3 बार ट्राई कर सकते हो। आप जैसे जैसे इसको ट्राई करोगे आपको पहले यूज़ से ही काफ़ी अच्छा फ़र्क देखने को मिलेगा। जैसे मैंने फर्स्ट टाइम यूज़ किया और आप ये फेस का ग्लो देख सकते हो, काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी फेयर लग रहा है, एंड जो पिगमेंट है वो भी काफ़ी लाइट दिख रहे हैं, तो पहले यूज़ में आपको इतना फ़र्क दिख रहा है। तो सोचिए आप इसको हफ्ते में 3 बार 2-3 हफ्ते कंटिन्यू यूज़ कर लेते हैं तो आपके स्किन का कैसा लुक आएगा आप देख सकते हैं। फेस पे काफ़ी साइन सा भी लग रहा है, पता नहीं कैमरे में दिख रहा है कि नहीं, लेकिन मुझे काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। तो आई होप कि आपको भी वीडियो पसंद आई, और जिनको भी पिगमेंट है, एजिंग की प्रॉब्लम आ रही है, लाइन्स आ रहे हैं, डार्क स्पॉट्स हैं, उनको ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि घर पे आपको इतना इजी, इतना आसान तरीके से कोई नहीं बताएगा, और आप इसको ट्राई करके अपनी स्किन को काफ़ी यंग, खूबसूरत और पिगमेंट से रिमूव, डार्क स्पॉट्स को रिमूव कर सकते हो और अपने स्किन टोन को 1-2 शेड तक लाइट भी कर सकते हो। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिए, वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, आप लोग की 1 लाइक से हम लोग को काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और हम इसी तरीके की न्यू वीडियो ढूंढ के लाते रहते हैं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, सिलाई से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सेकंड चैनल पे जरूर जाइए, सेकंड चैनल का नेम है प्रीत तिवारी 2, इंस्टा आईडी प्रीत तिवारी 24 है, तो इंस्टा पे भी जाके फॉलो कर लीजिएगा। रात को 9 से 11 बजे के बीच में मैं लाइव आती हूँ, कभी कभी भूल भी जाती हूँ, बट 9 से 11 बजे के बीच ही आती हूँ, तो अगर आप मेरा लाइव देखना चाहते हो तो 9 से 11 बजे के बीच में देख सकते हो। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टिप्स के साथ, बहुत सारी अमेजिंग हेयर स्टाइल की वीडियोज जा रही है डे बाय डे चैनल पे, तो अगर आप नहीं देख रहे हो तो देख लीजिए। मेकअप ट्यूटोरियल और ब्यूटी पार्लर कोर्स से रिलेटेड भी, मसाज के लिए, फेशियल के लिए काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट की थी, तो वीडियोज डे बाय डे जा रही है गाइज, और फेशियल मसाज स्टेप जो होते हैं उसका भी वीडियो बन चुका है, तो वो भी बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।